धाक तोड़ने के लिए आपने जो हीरो प्रेजेंट किया धाक, अब वो नए हैं ऑडियंस के लिए, हिंदी ऑडियंस के लिए, तो ऐसे में चैलेंज नहीं हो जाता है कि यार कैसे करेंगे, क्यों पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी, ऐसा क्या था उनमें खास बात? हम तो शूट में ऐसा करते थे कि शूट करते थे, पुराने गाने लगाते थे, सुनते थे जब तक लाइटिंग वीटिंग हो रही है, फिर गाना हुआ स्टॉप, फिर आए पर्दे पे, फिर काम करो। नए एक्टर को जब हम लोग लेकर कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो चैलेंजेस तो अपनी जगह हो गए, लेकिन क्या फायदा होता है? क्या आप आगे भी नए एक्टर्स के साथ काम करना चाहोगे? Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. Hello friends, welcome to Filming Fun Day, joinfilms.com. मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल Join Films YouTube channel. फिल्में जब भी आती हैं कुछ नई कहानियां बताती हैं, कुछ नए किरदार आपके सामने पेश करती हैं, और इन कहानियों को, इन किरदारों को जो पेश करते हैं वो होते हैं राइटर डायरेक्टर। तो आज एक नई फिल्म जो आ रही है धाक, उसके जो डायरेक्टर हैं मेरे साथ हैं अनीस बारूद वाले। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू सर। पहले तो नाम से शुरू करते हैं सर, बिल्कुल, इतना भारी भरकम नाम अफोर्ड कैसे करते हो आप जी? ये क्या है कि ये विरासत में मिला है। अच्छा। शायद मेरे पूर्वज जो है वो बारूद का काम करते होंगे या बारूद खाना संभालते होंगे, तो इसकी वजह से जो है ये जो है सरनेम में ये बारूद वाले जुड़ा, क्योंकि यहाँ नॉर्थ में जो है वाला होता है। अच्छा। साउथ में जो है वाले लगाते हैं। और ये जो फिल्म आ रही है आपकी धाक विद ट्रिपल ए जी, तो ट्रिपल ए क्यों है इसमें? ये जो है क्या है कि एक न्यूमेरिकल कुछ फंडा होता है। अच्छा। हमने सोचा कि इसको एक ए बढ़ा दें। हाँ। तो जो है वो अपने नंबर में फिट। इसमें और क्या क्या फंडे हैं? अरे ये आप फिल्म देखेंगे तो बहुत मजा आएगा इसमें। हाँ। एक तो क्या है कि रुसलान मुमताज जो है वो पहली बार जो है नेगेटिव रोल कर रहे हैं। ओके। हाँ, इसमें तो, और प्रदीप सिंह रावत जो है, जो गजनी फेम है, गजनी के नाम से जो है, उन्होंने काफी अच्छा काम किया। वो हैं भी कमाल के एक्टर। हाँ, बिल्कुल। जब उनकी मेरी मुलाकात हुई थी तो बातचीत हुई तो उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं ज्यादा से ज्यादा जो है 15 से 20 मिनट दे सकता हूँ आपको। फिर जाके हम बैठे तो करीबन 2-2.5 घंटे हम बैठे रहे। फिर बोले कि ठीक है, मैं फिल्म कर रहा हूँ, उनको पसंद आया और बहुत अच्छा काम किया हुआ। तो जो उनको कहानी पसंद आई, फिल्म पसंद आई, इस फिल्म में धाक में ऐसा क्या है जो ऑडियंस को भी पसंद आएगा? ऑडियंस क्यों देखेगी इस फिल्म को? क्या है कि अभी साउथ का एक मसाला चल रहा है आजकल फिल्मों में। साउथ में जो है, साउथ का हर तरफ नाम चल रहा है। बिल्कुल। तो साउथ में क्या है कि वो कहानी जो है फैमिली बेस होती है, उसमें जो है कॉमेडी होती है, एक्शन होता है सब। और 80s 90s में हमारी फिल्में भी ऐसी बनती थी बॉलीवुड की भी, तो जो है वो जो ऑडियंस से कनेक्ट कर दी थी कहानी। देखने के बाद लगता था हाँ भाई, ये मेरे घर में भी यही चल रहा है ऐसी, तो इसलिए जो है काफ़ी वो मिस हो गया था। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों ना फिर से जो है ये फार्मूला यूज़ करूँ, तो मैंने उसको साउथ के फार्मूले को मैंने यूज़ किया है अभी इसमें। इसमें एक्शन है, मारधाड़ है, प्यार मोहब्बत है, थोड़ी बहुत कॉमेडी है, और साउथ के एक्टर इसमें जो है हमने लाए हैं, जो सलीम मुल्लन और जो है वो साउथ के एक्टर हैं, बाकी सब जो है, और प्रदीप जी तो साउथ में मशहूर हैं ही, हैं बॉम्बे के लेकिन हैं मशहूर साउथ में। तो कहते हैं जब नेगेटिव करेक्टर, आपने बताया कि प्रदीप जी हैं और वो हैं, जो नेगेटिव करेक्टर बहुत ज़्यादा हाइप वाला होता है तो हीरो की भी हाइप वैसी ही क्रिएट होती है ना, तो वो केमिस्ट्री और वो दोनों का जो एक करिश्मा है वो कैसे मेंटेन रखा? नहीं, बिल्कुल, क्या है कि एक एक्टर जो है जब कहानी सुनता है तो वो कैरेक्टर को अपने आप में ढाल लेता है। वो कोशिश करता है कि जो है मैं इससे जस्टिफाई करूं। डायरेक्टर को जो है सिर्फ ये है कि उसको उसकी थोड़ी सी गलती है, यहाँ जो भी है उसको सिर्फ पॉलिश करना है, तब कहीं जाके जो है और वो निखार आता है उसमें। तो और एक विलन जो होता है, विलन की धाक वही बोलते हैं कि प्राण साहब की बात याद आती है कि प्राण साहब जहाँ भी जाते हैं तो लोग डरते हैं उनसे, तभी तो वो सक्सेस थे वो कैरेक्टर में। ऐसे जो है प्रदीप जी ने भी जो है, उनका एक डायलॉग है कि सारे शहर की फड़ती है मुझसे, इतनी मेरी धाक है। तो उनकी धाक जो है ना हमने इसमें दिखाई है, और रुसलान ने जो है उनके बेटे का किरदार निभाया, और काफ़ी जब वो पर्दे पे आते हैं तो लगता है कि भाई एक अच्छा एक विलन आया, इसे डर लगना चाहिए। तो उनकी धाक तोड़ने के लिए आपने जो हीरो प्रेजेंट किया धाक, अब वो नए हैं ऑडियंस के लिए, हिंदी ऑडियंस के लिए,
तो ऐसे में चैलेंज नहीं हो जाता है कि यार कैसे करेंगे, क्यों पब्लिक एक्सेप्ट कर पाएगी, ऐसा क्या था उनमें खास बात? नहीं, क्या है कि मैं बताऊं, सलीम ने काफ़ी मेहनत की इसमें, बहुत बहुत मेहनत की, और किसी को ये लगता नहीं है कि ये इनकी हिंदी पहली फिल्म है। अच्छा। लगता नहीं, बहुत बहुत काफ़ी मेहनत की। और जो है दोनों का टक्कर का रोल है, जब ये आमने सामने आते हैं तो लगता है कि यार लोग सिटी हो जाए, तो इस तरह का जो है रोल इन्होंने निभाया। और एक खासियत क्या है कि एक जब सामने एक बहुत बड़ा एक्टर होता है तो सामने अगर छोटा भी है तो उसके लिए चैलेंज होता है कि मैं जो है इनके बराबर में काम करूं, और बड़ा एक्टर ये सोचता है कि मैं इसके सामने जो है मैं कहीं ढीला ना हो जाऊं, तो इस वजह में जो है परफॉर्मेंस दोनों का उभर कर आता है, तब कहीं जाके जो है ना वो चीज अच्छी लगती है। तो ये इक्वेशन आपने पहले से ही सोच लिया था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कौन कौन से प्रोजेक्ट आए अभी तक आपके पहले? जी, मैं पिछले साल तीन छाने में रिलीज हुई थी, उसके बाद में बीच के शोले थी, कोंकणी में जो है वो खेलना सिवाचो, ऐसे काफ़ी दूरदर्शन के लिए मैंने काफ़ी काम किया। 20 साल मैंने टेलीफिल्म्स म्यूजिक पे मैंने काफ़ी काम किया। मैंने 10 किताबें लिखी, जो एक जो है मेरे गुरु जो मैं मानता हूँ गिरीश कर्नाड साहब, उनके ड्रामों पर और जो है उनकी लाइफ पे जो है मैंने लिखा। तो ऐसे ही जिंदगी में जो है मेरे वालिद साहब हमेशा मुझे जो है सपोर्ट करते थे, आज नहीं है, याद आती है उनकी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी लिखने में इसमें बहुत मदद की, वो टीचर थे, तो वो चीज़ें जो है कहते थे कि बेटा कोई भी अगर प्ले हो या कोई भी हो, एक लाइन ऐसी लिखना ऐसी जो लोगों को लगे कि भाई ये अगर वो ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो तुम समझना कि सक्सेस हो गए, एक अच्छी बात उसमें होनी। इसमें क्या है धाक में? धाक में वही है कि जो है एक, एक ये आता है कि देश के लिए जो है ना, एक बाप जो है, अगर मेरा बेटा एक ही है, अगर 2-4 भी बेटे होते तो मैं देश के लिए कुर्बान करता। Okay. तो देश के लिए जो है हमको जो है देश की इसके लिए जो है हमको लड़ना चाहिए, तो वो चीज़ हमने इसमें दिखाई है। जब एक डायरेक्टर कोई प्रोजेक्ट प्लान करता है तब भी उसके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, नर्वसनेस होती है कि यार क्या करूं, कैसे बनाऊं, और बनने के बाद जब रिलीज तक का जो सफ़र होता है, जो गैप होता है, वैक्यूम होता है, उसमें भी सेम हाल होता है। बिल्कुल। लेकिन दोनों में फ़र्क क्या होता है? बिल्कुल नहीं, क्या इसमें शूट में तो क्या था, हम काफ़ी प्रिपेयर थे। पहले प्री प्रोडक्शन, इतना मैं हमेशा प्री प्रोडक्शन पे इतना ध्यान देता हूँ कि जाने के बाद कोई पैच वर्क ना निकले और सुकून से काम करें। हम तो शूट में ऐसा करते थे कि शूट करते थे, पुराने गाने लगाते थे, सुनते थे जब तक लाइटिंग वीटिंग हो रही है, फिर गाना हुआ स्टॉप, फिर आए पर्दे पर, फिर काम करो। तो इतना बिल्कुल रिलैक्स और सब खुश थे, सब आर्टिस्ट बोलते थे कि यार यहाँ तो अलग ही माहौल है, एक अलग हिसाब से आप काम कर। जब साउथ के ध्यान में रख के फिल्म बनती है तो उसमें जो एक्शन होता है बहुत ड्रामेटाइज होता है, लोगों को देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही कैची लगता है, लेकिन करना उतना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे चैलेंज पूरा किया? नहीं, हमने जो है यहाँ के एक जो है फाइट मास्टर थे अपने जावेद भाई, उनसे हमने काम लिया जो था, कि उतना वो ये वाला भी नहीं दिखा कि लोगों को लगे कि नेचुरल है, कन्विंसिंग लगे। बिल्कुल। तो उस हिसाब से जो है हमने इसमें काम किया, एक्शन बहुत अच्छा है और गाने बहुत बहुत बढ़िया गाने बने, 5 गाने हैं हमारे। अभी 5 तारीख को जो है एक अपना गाना रिलीज़ हुआ, जयकारा जयकारा, जिसे वरदान सिंह ने गाया और उन्होंने कंपोज किया, और एक उनका गाना है तुम मिल गए, फिर मी ठंडा ने जो है 2 गाने बनाए, गाने मेलोडी हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा। तो ये सारे पैकेज के साथ कब फिल्म आ रही है? 19 अप्रैल को हम आएंगे इंशाल्लाह थिएटर में, तो ऑडियंस देखें, सराहें, तभी तो एक जो है एक प्रोड्यूसर खड़ा रह सकता है और एक डायरेक्टर खड़ा हो सकता है। तो बिना ऑडियंस के जो है, एक साउथ में मैं एक बात कहूँगा कि वहाँ पर जो है बहुत अभिमान है अपनी लैंग्वेज पे, लोग देखते हैं फिल्में, भले ही वो कैसी भी हो लेकिन उसको एक बार देखेंगे। जब आपको एंटरटेन हम करते हैं, गलतियां तो होती रहती हैं, सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं, जब तक आप एनकरेज नहीं करोगे तब तक ये हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मीडिया है जो है कि हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जो है एक उस्ताद है, मौलवी है, ये है, कोई भी एक बात कहते हैं तो उनके बात जो है वो सुन के छोड़ देते हैं, जब पर्दे पे कोई एक बात बोलता है तो वो जहन में बैठ जाती है। राइट राइट राइट।
ये जो नए एक्टर को जब हम लोग लेकर कोई भी प्रोजेक्ट प्लान करते हैं तो चैलेंजेस तो अपनी जगह हो गए, लेकिन क्या फायदा होता है, क्या आप आगे भी नए एक्टर्स के साथ काम करना चाहोगे और इस फिल्म में नए एक्टर को रखने का क्या फायदा हुआ आप? फायदा ये होता है कि जो है अगर कल ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो बोलते हैं कि भाई ये डायरेक्टर ने अच्छा काम लिया है, इनको लेके हम काम कर सकते हैं, ये बेनिफिट है हमारा। तो आगे भी आप नए आर्टिस्ट के साथ काम करोगे? इंशाल्लाह जरूर 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 करूँगा। तो पिछली फिल्म में भी काफ़ी सब थे, मुकेश जी, असरानी जी, काफ़ी लोग काम किए थे, इसमें भी 6 लोग काम किए, सिर्फ हीरो ही तो नए हैं, बाकी सब तो है। और ये फील्ड ऐसी है कि जिसका हौसला हो बुलंद तू उसकी तकदीर बनाता है, जिसका हौसला हो बुलंद तू उसकी तकदीर बनाता है, यहाँ किसी को शाहरुख तो किसी को सलमान बनाता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा निर्णय, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ऑडियंस भी जरूर चाहेगी कि आपकी अच्छी अच्छी बातों के साथ साथ वो आपकी अच्छी मूवी भी देखे, धाक विद AAA, जिसमें कि बहुत दिग्गज कलाकार भी हैं, नए कलाकार भी हैं, और दोनों की जो केमिस्ट्री होगी ऑन स्क्रीन, जब वो स्क्रीन को शेयर करेंगे तब वो कैसा लगेगा, वो अपने आप में बहुत ही अलग एक एक्सपीरियंस होगा। आप भी अगर फिल्मों से जुड़ना चाहते हैं तो आपका भी काम है कि आप फिल्मों को देखें, आप बने बनाए रिव्यू या बने बनाए माइंडसेट को देख के ये ना सोचें कि फिल्म मुझे देखनी है कि नहीं देखनी है, आप पहले फिल्म देखें, उसके बाद अच्छी लगती है बुरी लगती है आप उसके बारे में जिक्र कर सकते हैं। लेकिन शायद हिंदी ऑडियंस के साथ यही दिक्कत होती है कि पहले रिव्यू देखे जाते हैं और रिव्यू बहुत ज़्यादा बायस्ड होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बड़े से बड़े स्टार की फिल्म भी फ्लॉप हो सकती है, लेकिन उसको आप देखने जाते हैं तो आपका फर्ज बनता है कि जो नए उभरते हुए कलाकार हैं, जो क्रिएटिव लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं, उनकी फिल्में भी जरूर देखें, फिर अपनी राय को बनाएं और कायम करें। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, Joint Films वेबसाइट पर अवेलेबल है।